हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10 क्लास 7 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेथिंग करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। वन डे बूजो वाज एगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू टाउन आफ्टर ए ईयर। ही वाज इन ए रियल हरी एज ही वांटेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। ही रैन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट। कि स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बूजो के ग्रैंड पेरेंट्स शहर आने वाले थे लगभग एक साल के बाद, तो वह उनका बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा था और वह उन्हें बस स्टॉप पर लेने के लिए दौड़ पड़ता है। जब वह रन फास्ट यानी दौड़ता हुआ पहुंचता है, कुछ ही मिनट में पहुंच जाता है बस स्टॉप पर, तो क्या महसूस करता है? ही वाज ब्रेथिंग रैपिडली, कि वह बड़ी तेजी से ब्रेथिंग कर रहा है। आपने भी देखा स्टूडेंट, जब आप रन फास्ट करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी ब्रेथिंग रैपिड यानी फास्ट हो जाती है। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रेथिंग सो फास्ट। तो उसकी दादी ने उससे यही क्वेश्चन किया कि आप ब्रेथिंग इतनी फास्ट क्यों कर रहे हैं। बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो बूजो ने बताया कि वह दौड़ कर आया है, बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन बूजो के माइंड में यह क्वेश्चन लगातार स्टक करता रहा, यानी कि बजता रहा उसके माइंड में, बार बार ये आता रहा कि उसकी ब्रेथिंग फास्ट क्यों हो गई। ही वंडर्ड व्हाई ही रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रेथ फास्टर। और यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले उसने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसकी ग्रैंड मदर ने जब उससे पूछा, तब उसके माइंड में ये बात आई कि रनिंग फास्ट करने के बाद हमारी ब्रेथिंग फास्ट क्यों हो जाती है। द आंसर टू बूजोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रेथ। कि स्टूडेंट्स, बूजो के माइंड में जो क्वेश्चन आया वह इस बात पर डिपेंड है कि हम ब्रेथिंग करते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें ब्रेथिंग करने की। ब्रेथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, और ब्रेथिंग हमारे रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसका एक पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन, कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम ब्रेथिंग करते ही क्यों हैं। व्हाई डू वी रिस्पायर, रिस्पायर यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी ब्रेथिंग क्यों कर रहे हैं। चैप्टर 2 यू लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। कि चैप्टर 2 में स्टूडेंट हमने स्टडी कर लिया था कि सभी ऑर्गेनिजम्स एक यूनिट से बने होते, स्मॉल यूनिट से। स्मॉल यूनिट को जोड़ जोड़ कर हमारी बॉडी बनती है, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इसी तरह से बनती है। उस स्मॉल यूनिट को स्टूडेंट सेल कहा जाता है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम। कि सबसे स्मॉल यूनिट होती है उस ऑर्गेनिजम की, जिसे सेल कहा गया है। Each cell of an organism performs certain functions, और हर सेल अपना फंक्शन करता है, such as nutrition, transport, excretion and reproduction. कि organisms की बॉडी में ये सभी फंक्शन करने के लिए different type के सेल से present होते हैं। To perform these functions, the cell needs energy. स्टूडेंट्स, अब जो सेल हैं इन फंक्शन को करेंगे तो उनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग स्लीपिंग रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। कि स्टूडेंट, कोई भी काम हम करें हमें एनर्जी की जरूरत है, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है स्टूडेंट? यस, फूड से। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंस्टेड दैट You should eat regularly. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको रेगुलर ईट करने के लिए कहते हैं कि फूड खाना चाहिए, हमें रेगुलर खाना चाहिए, टाइम टू टाइम ईट करना चाहिए।
द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है और वह फूड एनर्जी हमें तभी दे पाता है विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, जब हम रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। सो स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको कि हम रिस्पायर क्यों कर रहे, ताकि हमें एनर्जी मिले, जो फूड हम लेते हैं उससे हम एनर्जी प्राप्त कर पाए, इसलिए हम रिस्पायर करते। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, कि फूड से एनर्जी तभी मिल पाएगी जब हम रिस्पायर करेंगे। ड्यूरिंग ब्रेथिंग वी ब्रेथ इन एयर, वी नो यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, वी ब्रेथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स आप जानते भी हैं कि जब हम ब्रेथिंग करते तो जो एयर हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और जब हम ब्रेथ आउट करते हैं यानी सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन को तो यूज कर लेती है और जो बॉडी में फंक्शन होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो हमारे ब्रेथ आउट द्वारा बाहर आ जाती है। द एयर वी ब्रेथ इन द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो ब्रेथिंग की हमने वह बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, चली जाती है, एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, बॉडी के हर सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और वो ऑक्सीजन हम जो फूड लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, उससे एनर्जी प्राप्त करने में ऑक्सीजन हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। कि स्टूडेंट ये रिस्पिरेशन की एक टाइप हो गई कि उसे सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है, उस प्रोसेस को जब सेल फूड से फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं, बनाते हैं, उसे सेलुलर रिस्पिरेशन कहा गया। सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म्स के जो सेल हैं उनमें सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। तो एक बात तो हमने सीखी यहाँ पर सेलुलर रिस्पिरेशन की, इस बात को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, लर्न कर लेना है। आगे स्टूडेंट इन द सेल द फूड, फूड यानी ग्लूकोज, क्योंकि फूड जब स्टूडेंट ब्रेक डाउन होता है तो उससे ग्लूकोज बनता है। ये सब हम चैप्टर 2 में शायद सीख चुके हैं, जब डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, डाइजेस्टिंग क्या काम करता है। सो स्टूडेंट इन द सेल द फूड यानी ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर यूजिंग ऑक्सीजन। कि जो सेल है वो क्या करते हैं, फूड को ब्रोकन डाउन यानी कि एनर्जी में डिवाइड कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसे प्रोसेस में बनती है और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो इसलिए ब्रेथिंग प्रोसेस हमारी चलती है, रिस्पिरेशन प्रोसेस हमारी चलती रहती है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्यूर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। एक टाइप और पढ़ी हमने एरोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें जो सेल है बॉडी के वो ऑक्सीजन का यूज करते हुए एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहा गया है। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और स्टूडेंट हमारी बॉडी में जो फूड है वो बिना ऑक्सीजन की हेल्प के भी ब्रोकन डाउन होता है। दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रिस्पिरेशन। सो स्टूडेंट्स दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, डिफरेंस करके ही हम इनको लर्न कर सकते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या है, यूज ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, कि जो हमारे बॉडी के सेल हैं ऑक्सीजन का यूज करते हुए जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो एरोबिक रिस्पिरेशन है, और जब हमारी बॉडी के सेल विदाउट ऑक्सीजन के फूड से एनर्जी रिलीज करते हैं उसको एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहा गया है। सो स्टूडेंट
जो हमारा फूड है जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिन्हें हम इक्वेशन के हेल्प से समझ सकते हैं अब कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या है यहाँ पर, फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के हेल्प से प्रोसेस करते हैं एंड बिकम्स, एरो का सिंबल क्या काम करता है, बिकम्स का यानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस वाटर प्लस एनर्जी, कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो ब्रेथ आउट द्वारा बाहर आ जाती है और हमारी बॉडी में इससे वाटर भी बनता है। सो स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीजन की हेल्प से ये सब काम हो रहा है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। यू शुड नो दैट देर आर सम ऑर्गेनाइजम सच एज ईस्ट, ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजम स्टूडेंट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो बिना एयर के भी रह पाता है, यानी वो एयर के एब्सेंस में भी सर्वाइव रह लेता है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, उसे एनारोब्स कहा गया क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर पाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की हेल्प के भी हो जाती है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो, कि जब स्टूडेंट बिना ऑक्सीजन की हेल्प के हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें एल्कोहल बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसे हम इक्वेशन से समझ सकते हैं, ग्लूकोज यानी कि फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन की हेल्प के बिकम्स, क्या बनाते हैं, एल्कोहल नाम का सब्सटेंस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड एनर्जी रिलीज होती है। ये स्टूडेंट इक्वेशन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि ईस्ट सेल में देखने को मिलती है या ईस्ट ऑर्गेनाइजम में देखने को मिलती है। अब ईस्ट क्या है स्टूडेंट, ईस्ट से आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजम्स, कि ईस्ट एक तरह के ऑर्गेनाइजम है जो कि सिंगल सेल है, एक ही सेल से उनकी बॉडी बनी है। दे रिस्पायर एनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि बिना ऑक्सीजन की हेल्प के ही एनर्जी रिलीज कर लेते हैं बॉडी के अंदर। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, सो स्टूडेंट्स ईस्ट ऑर्गेनाइजम्स का यूज वाइन यानी शराब और बियर बनाने में किया जाता है क्योंकि उनमें अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। अब अपनी बॉडी में स्टूडेंट्स क्या है, अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनएरोबिकली, कि हमारी मसल्स के जो सेल हैं वो भी एनएरोबिकली रिस्पायर कर सकते हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, कि कुछ थोड़े समय के लिए, व्हेन देयर इज ए टेंपरेरली डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, कि जब हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी मसल सेल भी एनर्जी रिलीज करने लगती हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज फास्ट रनिंग, फिगर 10.1 में जैसे दिखाया गया है, फास्ट रनिंग करते समय या साइकिलिंग करते समय, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, जब हम फास्ट रनिंग करेंगे या साइकिलिंग चलाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। सो स्टूडेंट उस समय रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी बनाने में हेल्प नहीं कर पाते, इसलिए जो मसल सेल हैं वो बिना ऑक्सीजन की हेल्प के एनएरोबिक रिस्पिरेशन करने लग जाते हैं। कि बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, देन एनएरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, कि हमारी बॉडी को रनिंग करते समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो कि रिस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा पूरी नहीं हो पाती, इसलिए एनएरोबिक रिस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसे इक्वेशन के थ्रू समझाया गया कि ग्लूकोज इन मसल्स में जो ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स, बनाते हैं लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में, जो कि जैसे अल्कोहल बनता था ईस्ट सेल में, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है, जिस तरह से फिगर 10.1 में दिखाया गया है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स मे रिस्पायर एनएरोबिकली, कि हमारी बॉडी में भी एनएरोबिकली रिस्पिरेशन होता है। सो स्टूडेंट्स आज हमने मेनली जो रिस्पिरेशन की टाइप्स पढ़ी हैं आप उन्हें जरूर रिवाइज करना, आपने देखा भी है स्टूडेंट जब कोई
हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं। दे क्रैम्प्स ओक्यूर द मसल सेल रिस्पायर एनोबिकली, क्योंकि मसल सेल ने एनएरोबिकली रिस्पायर किया है इसलिए वो फूल जाती हैं। द पार्शली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी मसल्स के अंदर इसलिए वो फूल जाती हैं। सो स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। सो अगर हम हॉट बात करते हैं उसके बाद या मसाज करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, से जो हॉट वाटर एंड मसाज है इंप्रूव करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, जिससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स के अंदर इंक्रीज हो जाती है और वो क्रैम्प से खत्म हो जाते हैं। किसी पहलवान को आपने देखा हो कभी हैवी एक्सरसाइज के बाद उसकी जो मसल्स हैं वो फूल जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कि जो लैक्टिक एसिड बन गया था वो ऑक्सीजन की सप्लाई से खत्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मेनली रिस्पायरेशन के बारे में उसके टाइप्स पढ़ी है, इन्हें आप जरूर रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम हम पैराग्राफ 10.2 ब्रेथिंग के बारे में स्टडी करेंगे, इसे भी एक बार आप रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आए। साइंस में क्या स्टूडेंट, अगर आप डेली रिवाइज करते रहेंगे, जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करना, आगे रीड करना, चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।